السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الله تعالى في القران المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر मोहतरम हज़रा ख़वात तमाम तरह की हमदोसना तारीफ व तोसीफ़ उस अल्लाह इज़्ज़त के लिए जिसने हम सबों को इस दार फ़ानी में पैदा फरमाया जिसने हम सबों को ये माह मुबारक जिसमें में अशर जिल है नसीब फरमाया और साथ ही साथ हमारे खाने पीने का पूरा इंतज़ाम किया उसके बाद आखिरी नबी जनाब अलैहि वसल्लम पर बेशुमार सलाम नाजिल हों। ये बात किसी से मखी नहीं है कि अल्लाह तबारक वाले ने ज़मीन व आसमान और उसमें जो कुछ है सब का पैदा करने वाला करने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह तबारक व ताली की ज़ात है बेशुमारखलूक़ात को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया उन्हीं में से हज़रत इंसान को भी पैदा किया और हज़रत इंसान में से मोमिन और मुस्लिम को भी अल्लाह तबारक व ताली ने पैदा किया यहाँ पर आज मैं आपके सामने कुछ बातें गोशे गुजार करना चाहूँगा जिस तरह से आप ये जानते हैं कि एक उस्ताद होता है तो वो उस्ताद अपने शागिर्दों से मोहब्बत करता है प्यार करता है और उसके शागिर्द ये बतलाते हैं कि हमारे उस्ताद हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं बहुत प्यार करते हैं और उसकी निशानी ये है कि हमें मेहनत से पढ़ाते हैं हमारी रहनुमाई करते हैं अच्छे रास्ते पर चलने की तलक़ीन करते हैं बुरे रास्तों से रोकते हैं इसी तरह से माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं प्यार की भी निशानियाँ होती हैं वो बच्चे ये कहते हैं हमारे माँ बाप हमेशा हमारी भलाई के लिए हमें हमेशा अच्छे रास्ते की तल्न करते हैं दीनी तालीम की दीनी तालीम की तरबियत देते हैं क़ुरान और हदीस की तालीम देते देते हैं ये उनकी निशानियाँ बतलाई जाती हैं चाहे वह एक बच्चा अपने माँ बाप की प्यार की निशानियाँ बतलाए या एक शागिर्द अपने उस्ताद के प्यार की निशानियाँ बतलाए तो इसी तरह से अल्लाह तबारक ताल ने अपने मोमिन बंदों के लिए भी कुछ निशानियाँ बतलाई हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मोमिन बंदों से अपने उन बंदों से जो अल्लाह पर ईमान लाने वाले हैं रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वाले हैं योम आखरत और अरकान इस्लाम अरकान ईमान पर ईमान लाने वाले हैं उन लोगों के लिए क्या प्यार की निशानियाँ हैं कुरान कुरान और हदीस का जब हम मुताला करते हैं तो ये सारी चीज़ें आया होकर के जाहिर होकर हमारे सामने आ जाती हैं कि अल्लाह इज़्ज़त जिस तरह से हमने ये जान लिया कि एक उस्ताद एक शागिद अपने उस्ताद के प्यार की निशानियाँ बतलाता है एक बच्चा अपने माँ बाप के प्यार की निशानियाँ बतलाता है आइए हम देखें कि एक मोमिन से अल्लाह तबारक व किस तरह से प्यार करता है और उसकी निशानियाँ क्या हैं कि अल्लाह इज़्ज़त की अल्लाह इज़्ज़त अपने मोमिन बंदों से अपने उन बंदों से जो अरकान इस्लाम और अरकान ईमान पर ईमान लाने वाले हैं उन लोगों से प्यार करता है मोहब्बत करता है आज के इस मजलिस में इसी बात पर हम आपके सामने कुछ बातें गोश गुजार करने की कोशिश करेंगे मोहतरम हज़रा ख़वात एक मुसलमान और मोमिन बंदा जब इस बात पर गौर करता है कि अल्लाह ताला ने उसे जो जब हयात दिया है ज़िंदगी गुजारने का जो निज़ाम बतलाया है जो तरीका बतलाया है कि किस तरह से ज़िंदगी गुजारी जाए किस तरह से लेन देन किया जाए शादी ब्याह की जाए उठा बैठा जाए एक दूसरे से बात बातचीत की जाए तो बेसाख्ता मोमिन के मुँह से ये बात निकल जाती है कि अल्लाह ताली का दिया हुआ निज़ाम ज़िंदगी जो ये ज़िंदगी का निज़ाम है अल्लाह तबारक व ने जो हमें अपने प्यारे रसूल जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से दिया है ये नहायत पाकी पाकीज़ा है बहुत ही पाकीज़ा है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा आसान भी है ये निज़ाम ज़िंदगी जो अल्लाह तबारक व ने हमें और आपको दिया है जहाँ एक तरफ ये पाकीज़ा है इसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है हर तरफ से नफासत ही नफासत है और साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा आसान है अल्लाह तबारको तला ने अल्लाह ताला ने हमें और आपको एक ऐसा दीन दिया जो बहुत ही आसान दीन है मोमिनों से अल्लाह के प्यार की निशानी यही है कि दीन में आसानी दीन में आसानी अल्लाह ताला के प्यार की निशानी है मोमिनों से मोमिनों से दीन में आसानी यही है अल्लाह तबारक व तआला से प्यार की निशानी कि अल्लाह इज़्ज़त ने हमें और आपको जो दीन दिया है मजहब इस्लाम इसमें बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर दी हर तरह का बंदा उस पर अमल कर सकता है और ये अल्लाह ताला के प्यार की पहली पहचान है अल्लाह तबारक व ने हमें और आपको मशक्क़तों भरा दीन नहीं दिया है अल्लाह तबारक तआला हमें अल्लाह तआला ने हमें और आपको तकलीफ़ों भरा दिन नहीं दिया है ये ऐसा दीन है जो जहाँ पर पाकिज़ा है वहीं पर बहुत ज़्यादा आसान भी है बल्कि हमें आसानियों भरा नरम दिन दिया बहुत ही ज़्यादा नरम दीन जिस पर चलना और अमल करना हर मुसलमान के लिए आसान है हर मुसलमान जो चाहे उस पर अमल करना वो आसानी से अमल कर सकता है चूंकि वो तंगी को पसंद नहीं करता है अल्लाह तबारक तआला तंगी को पसंद नहीं करता है और इसीलिए अल्लाह इज्जत ने क्या इरशाद फरमाया सूरतबकर एक सौ पचासी नंबर आयत में बिकुमुल यूसर वला वाला बिकुमुल उसर अल्लाह तबारक तला तुम्हारे लिए आसानी चाहता है तुम्हारे लिए तंगी को अल्लाह पसंद नहीं करता इससे बड़ी प्यार की निशानी मोमिन के लिए अल्लाह ताला की तरफ से क्या हो सकती है कि जिस मजहब पर जिस दीन पर चलने के लिए अल्लाह ताला ने हमें और आपको पैदा किया है उसमें आसानियां ही आसानियां पैदा कर दी और मुख्तलिफ पैराए से मुख्तलिफ अंदाज में हमें और आपको यह बतलाने की कोशिश की है कि यह ना समझो कि यह दीन बहुत बहुत सख्त है यह ना समझो कि यह दीन मशक्क़तों भरा है यह ना समझो कि यह दीन तकलीफों भरा बल्कि यह दीन बहुत आसान है हज में अल्लाह तबारक तआला ने सेवेंटी एट नंबर आयत में इरशाद फरमाया जा

फतकुल्ला अल्लाह ताला से डरते रहो जितना तुम्हारे बस में है यह भी नहीं कहा तुम्हें डरना ही है इस पर अमल करना ही नहीं अल्लाह ताला से डरो जितने की तुम ताकत रखते हो जितना तुम बर्दाश्त कर सकते हो जितने तुम्हारे अंदर सब्र करने की और ताकत और उठाने र... र... की ताकत है अल्लाह तबारक को तला फरमाए फत तकुल्लाह तुम अल्लाह ताला से डरते रहो जितना तुम्हारे बस में है और ज़बरदस्ती भी नहीं किया ऐसा नहीं किया कि यह चीज तुम्हारे ऊपर लाजिम है करना ही करना है क्योंकि कभी कभार इंसान किसी ऐसे मोड़ पर आ जाता है कि वहां से इंसान बेबस हो जाता है बहुत सारे मराहल आता है बहुत सारे मराहल आते हैं कि इंसान बेबस हो जाता है ऐसी सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने और मजीद वजाहत कर दी कि कोई शैतान के वसाविस का शिकार ना हो कि अल्लाह तबारक तआला ने तो तुम्हारे ऊपर ऐसे बोझ डाल दिया जिसके तुम ताकत नहीं रखते हो अल्लाह तबारक तआला ने और खुले लफ्जों में सूरतुल्बकर के दो सौ छियासी नंबर आयत में इरशाद फरमाया ला नफसन इल्ला उसाहा शैतान के सारे दरवाजे को बंद कर दिया शैतान ये ना कहने पाए कि तुम्हारा रब तुमको पैदा तुम्हें पैदा करने वाला तुम्हारा रब है और तुम्हारे ऊपर ऐसी तायसी परेशानी में तुम्हें ऐसी परेशानी में डाल देता है जिसकी तुम ताकत नहीं रखते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी भी वजाहत कर दी किसी शैतानी दरवाजे को खोलने का खुलने का कोई चांस नहीं इल्ला इंसान खुद शैतान बन जाए उसके वसाबिस का शिकार हो जाए तो अल्लाह तबारक ने क्या फरमाया अल्लाह ताला किसी आदमी को उसकी ताकत से ज्यादा मुकल्लफ नहीं करता मालूम यह हुआ कि मोमिनों से अल्लाह ताला के प्यार की निशानी क्या है दीन में आसानी दीन में सहूलत इंसान अपने हिसाब से अपने हिसाब का मतलब यह है कि वो अपनी ताकत के हिसाब से काम करेगा काम तो वही करेगा जो अल्लाह तबारक व ताली ने अपने प्यारे रसूल जनाब महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से तरीक़ा बतलाया है लेकिन उसकी ताकत जितनी है लायकल्लफ़ल्हस अल्लाह ताल किसी आदमी को उसकी ताकत से ज़्यादा मुकल्फ़ नहीं करता मोहतरम हज़रा ख़ुवातन अल्लाह की मोहब्बत की निशानी आप कहेंगे ये आयतें तो बतला रही हैं लेकिन क्या निशानी मजीद क्या निशानी है वाज तौर पर हमें निशानी चाहिए क्या निशानियाँ हैं कि अल्लाह तबारक वाले ने हमारे लिए दीन में आसानी पैदा कर दी है और ये मोमिनों से प्यार की निशानी है जी हाँ आइए हम देखते हैं हमारे दीन में बहुत सारी आसानियाँ हैं हकीकत है, हकी, हकीकत यही है कि हमारे दिन में बहुत सारी आसानियां हैं और यही अल्लाह तबारको ताला की मोहब्बत की निशानी है याद रखें आपकी आप, ये, आप, ये, आप ये, इस बात को आप याद रखें मिसाल के तौर पर ले लीजिए नमाज को नमाज चौबीस घंटे में पांच बार फर्ज किया अल्लाह तबारको तारा ने सिर्फ पांच बार टोटल कितनी नमाजें कितनी रकाते होती हैं फर्ज नमाज की सत्रह रकाते चौबीस घंटे में सिर्फ पांच बार फर्ज किया टोटल सत्रह रकातें हुई अगर कोई मुसाफिर है आप देखिए किस तरह से आसानी कर रहा है अल्लाह तबार को ताला अगर कोई मुसाफिर है तो चार रकात वाली नमाजें दो रकात करके कसर करके पढ़ रहा है कम हो गया कि नहीं कम हो गया छह रकातें कम हो गई आपकी दो रकात जोहर में कम हुई दो रकात असर में कम हुई और दो रकात ऐशा में कम हुई जो चार रकात वाली नमाजें थी दो दो रकात हो गई छह रकात कम हो गई टोटल सत्रह थी साथ ही साथ और क्या आसानी किया अगर इंसान चाहता है जमा तकदीम करना या जमा ताखिर करना जमा तकदीम कर सकता है जमा ताखीर कर सकता है जमा तकदीम का मतलब यह है कि अगर वो चाहे तो जोहर के वक्त में असर की नमाज भी एक साथ दो दो रकात करके पढ़ ले या इसी तरह से मगरिब और ऐशा को एक साथ पढ़ ले मगरिब के टाइम में ऐशा की नमाज को मगरिब के बाद फ़ौर नमाज़ अदा कर ले इसको जमा तकदीम कहते हैं जमा तखिर सफर में है मौका नहीं मिल पा रहा है आखिर में जाकर के असर के वक्त में जहर की नमाज को ताखिर करके असर की नमाज के साथ पढ़ पढ़ रहा है या इसी तरह से मगरब की नमाज को ताखिर करके ऐशा की नमाज के साथ पढ़ रहा है तो मालूम यह हुआ कि अल्लाह तबारक तआला ने इस तरह से आसानियाँ दी हैं इसी तरह से अगर कोई मरीज़ है अल्लाह ताला सबको शफायाबी अता फरमाए सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और जो मरीज़ हैं उनको शफायाबी अता फरमाए अगर वो चाहे तो लेट करके नमाज पढ़ सकता है अगर चाहे तो बैठ करके नमाज पढ़ सकता है अगर ताकत नहीं है तो अगर इसकी भी ताकत नहीं है तो आंख के इशारों से उंगली के इशारों से नमाज पढ़ सकता है तो ये सारी आसानियां में हैं दीन में हैं और यह आसानियां इस बात की दलील हैं कि अल्लाह तबारक वाल अपने मोमिन बंदों से प्यार करता है इसी तरह से अगर वजू बनाने के लायक नहीं है वो वजू बनाने से उसका मर्ज बढ़ रहा है किसी शख्स का वो तयम कर सकता है तो इस तरह से बहुत सारी आसानियां अल्लाह तबारक उताल ने दीन में दी हैं जकत को ले लीजिए आप जकत सिर्फ और सिर्फ मालदारों के ऊपर फर्ज किया है और वो भी उसका भी एक निज़ाम बनाया है कि जो शख्स साहेब निसाब होगा साहेब निसाब होने का मतलब ये है कि जिसके पास साढ़े सात तोला सोना या साढ़े बावन तोला चांदी हो और उस पर एक साल गुजर जाए ये नहीं कि कल आपके पास अगले महीने में आमदनी हो गई और फौरन अल्लाह ताला के रास्ते में निकालना शुरू कर दीजिए नहीं साढ़े सात तोला सोना या उसकी कीमत उसके बराबर कीमत या साढ़े बावन तोला चांदी उसकी या उसके बराबर कीमत अगर हो जो हो और साल भर गुजर जाए जैसे आज बीस बाईस जुलाई दो हजार बाईस है आज के दिन अगर इतनी कीमत आपके पास या इतना सोना आपके पास हो जाता है तो अगले साल बाईस जुलाई 2023 में आपके ऊपर जकवात फर्ज होती है और वो भी कितनी सिर्फ और सिर्फ ढाई फीसद कितनी सिर्फ और सिर्फ ढाई फीसद तो यह दीन में आसानी है और यह अल्लाह ताला अल्लाह ताला की मोमिनों से प्यार की निशानी है ये इसी तरह से आप रोजा ले लीजिए रोजा साल में सिर्फ एक माहफर्ज की अल्लाह तबारक उतला ने और किन लोगों के ऊपर उन लोगों के ऊपर जो जो सेहत और तंदुरुस्ती रखते हैं सेहत और तंदुरुस्ती रखते हैं उनके ऊपर जो लोग मरीज हैं उनके लिए रास्ता निकाला मुसाफिर हैं उनके लिए रास्ता निकाला अल्लाह तबारक तआला ने जो शख्स आसानी से रख सकता है उसके ऊपर साल में यानी ग्यारह माह खाते रहिए पीते रहिए एक माह रमजान के रोजे को फर्ज करार दिया है मजीद आसानी मुसाफिर और बीमार के लिए कि मुसाफिर अगर है वो रोजे को छोड़ सकता है सफर के बाद रमजान के बाद उसकी कजा कर सकता है मरीज है छोड़ सकता है बाद में उसकी कजा कर लेगा दायमी मरीज है उसके लिए फिदिया की इजाज़त है ये सारी चीज़ें किस बात की दलालत हैं इस बात की दलालत है कि अल्लाह तबारक वाली अपने मोमिन बंदों से मोहब्बत करता है प्यार की निशानी है गौर करें अगर रोज़े की हालत में बोलने पर पाबंदी होती नहाने पर पाबंदी होती सोने पर पाबंदी होती कितनी परेशानी आ जाती इंसान के लिए लेकिन क्या अल्लाह तबारक वाली ने बोलने पर पाबंदी लगाई सोने पर पाबंदी लगाई नहाने धोने पर पाबंदी लगाई नहीं ये क्या है ये आसानी है ये दीन में आसानी है और यही मोमिन बंदे से प्यार की निशानी आप हज को ले लीजिए अरकान इस्लाम का एक अहम रुकन हज भी है अल्लाह तबारक वाली ने किन लोगों पर हज को फर्ज किया है सिर्फ और सिर्फ मालदारों के ऊपर फर्ज किया है और साहेब इस्तीत के ऊपर फर्ज किया है और सिर्फ जिंदगी में एक बार फर्ज किया जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक बार 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 नहीं फर्ज किया कि आपके पास बहुत ज्यादा मालो दौलत है बार बार हज करते रहो नहीं सिर्फ साहेब साहिब इस्तीत पर यानी मालदार पर जिंदगी में सिर्फ एक बार इस, इस एक बार हज को अल्लाह तबारक तआला ने फर्ज कि, फर्ज किया है और हज के दौरान बहुत सारी आसानियां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज में मिना में होते थे कुछ लोग आए सहाबा में से उन्होंने कहा कि पहले मैंने बाल कटा लिया उसके बाद कुर्बानी की कुछ ने कहा मैंने बाल कुर्बानी की उसके बाद बाल कटाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे इफ वला हरज इफ अल हरज ऐसा कर लो इसमें कोई हरज की बात नहीं मालूम यह हुआ कि बहुत सारी आसानियां बहुत सारी आसानियां अल्लाह तबारक तआला ने दीन में रखी हैं और ये इस बात की निशानी है कि मोमिनों से अल्लाह तबारक तआला प्यार करता है मोहब्बत करता है मोमिनों से प्यार की निशानी क्या है मोमिनों से अल्लाह ताला के प्यार की निशानी क्या है दीन में आसानी जिससे हम और आप इस्ता कर रहे हैं मालूम ये हुआ कि इस्लाम एक पाकिजा मजहब है लिहाजा हमें ये चाहिए कि हम इस पाकीज़ा मजहब को यानि आसान दीन को दीन इस्लाम को इसको पहचानें इससे मोहब्बत करें इस पर अमल करें अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आसान किया है तो उसको हम छोड़ ही ना दें हम उससे मोहब्बत भी करें उसको पहचाने भी उस पर अमल भी करें और इस दावत को दूसरों तक पहुँचाएं भी क्योंकि अल्लाह तबारक तआला ने इसमें आसानियां ही आसानियां रखी हैं इसमें आसानियां ही आसानियां हैं और इन आसानियों से जो बात खुल कर सामने आती है वो ये है कि अल्लाह ताला उसे अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और वो ऐलान करता है क्या है मेरे बंदो मुझे छोड़कर किधर जा रहे हो किधर का रुक कर रहे हो कौन सा दरवाजा खटखटा रहे हो किसके पास जा रहे हो मैंने तुम्हें पैदा किया है मेरे ही पास तुम्हें आना है वह वदूत और वही बहुत ज्यादा माफ करने वाला और बहुत ज्यादा प्यार करने वाला है मोहतरम हजरा खातन कहने का मतलब यह कि मैंने आज आपके सामने जो बात पेश करनी थी वो ये थी कि अल्लाह तबारक व मोमिनों से अल्लाह तबारक वाल के प्यार की जो निशानी है वो क्या है दीन में आसानी दीन में आसानी अल्लाह तबारक वाल अपने मोमिनों से किस कदर प्यार करता है इसको पढ़ करके इसको समझ करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अल्लाह रब्बुल रबुल्ज़त से हम दुआ करते हैं इलाह आलमीन हम सब को दीन पर अमल करने की तोहफ़रमा इलामीन हमारे अंदर कुरान हदीस को समझने का जज्बा पैदा कर दे और उस पर अमल करने की तोफ़ी रब्बिल आलमीन वाखरुदावाना अनिलहमिल्ल व अल्लाम व वर्क